एपिसोड शुरू होता है और शीबा योटा को अपने साथ आने को कहती है। फिर यह योटा से कहती है कि तुम कोई लैब असिस्टेंट नहीं हो ना रिसर्च इंस्टीट्यूशन के। योटा कहता है नहीं। शीबा कहती है तुम्हें इसी वक्त इस जगह से जाना होगा। योटा कहता है प्लीज़ मुझे रहने दो। शीबा कहती है शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रही। योटा कहता है क्या मैं हीना को फिर कभी देख पाऊँगा। ये बोलती है हम फॉरेन जा रहे हैं हीना को लेके, तो तुम उसे फिर कभी नहीं मिल पाओगे। योटा तभी सर झुका के कहता है प्लीज़ एक दिन दे दो मुझे, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे बस कुछ घंटे भी चलेंगे। और शीबा फिर मान ही जाती है। नेक्स्ट दिन में योटा हीना के साथ गेम खेल रहा होता है और मन में कहता है मुझे लग रहा था कि हम कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन शायद ये बस गेम की वजह से था। और हीना से कहता है आज हमारा एक साथ आखिरी दिन है हीना, तुम दुखी नहीं होगी ना मेरे जाने के बाद। नेक्स्ट दिन में योटा हीना के पास आता है और मन में कह रहा होता है प्लीज़ बस हाँ कह देना। और हीना से कहता है क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो, फिर हम एक साथ रह पाएंगे पिछले समर जैसे। तभी हीना सोरा का नाम लेती है। योटा कहता है हाँ तुम्हें सोरा याद है, तुम्हें ये भी पता है ना कि ये कौन है। हीना कहती है दाई ही। योटा कहता है हाँ डाई जी, अब ये बताओ ये कौन है। इनका नाम टो से स्टार्ट होता है। हीना कहती है टोकी को। योटा तभी अपनी पिक्चर ढूंढता है और कहता है ये कौन है, आसमान में क्या है सोचो, एक बड़ा सा चमकता तारा। और थोड़ा जोर से बोल देता है। तभी हीना हाथ मार के इसकी पिक्चर फेंक देती है। तभी शीबा यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। योटा कहता है बस थोड़ा सा और दे दो, लेकिन ये नहीं मानती और यहाँ के गार्ड जो हैं इसे उठा के ले जाने लगते हैं। योटा लेकिन हीना का नाम पुकारने लगता है और उसे बुलाने लगता है। तभी ये इसे मारते हैं और घसीटते हुए फिर ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में योटा बाहर होता है और काफ़ी सैड होता है और हीना को कहता है मैं तुम्हें मिस करूँगा, ख्याल रखना अपना। शिवा कहती है वो तुम्हें बाय कर रहा है हीना, चलो बाय कहो। लेकिन हीना कुछ नहीं करती। योटा जाने लगता है। तभी हीना बोलने लगती है यहाँ नहीं है। शिवा कहती है कौन। हीना बोलती है यो हा यहाँ क्यों नहीं है। तभी योटा पीछे मुड़ के कहता है मैं समझ गया, उसे मेरा कार्ड नहीं चाहिए था क्योंकि उसके पास मैं मौजूद था। और हीना शीबा से खुद को छुड़वाती है और खड़े होने लगती है। फिर बोलती है मत जाओ। हीना योहा से प्यार करती है। योटा भी तभी याद करता है हीना ने जब उससे ये कहा था और कहता है ये वही है, ये मुझे अभी भी प्यार करती है, ये मुझे नहीं भूली। और भागते हुए जाता है हीना के पास और इसे हक कर लेता है। हीना कहती है हीना लव योहा। और योटा कहता है आई लव यू हीना। तभी ये गार्ड आगे जाने लगता है। शीबा इसे रोक देती है और कहती है ये हीना की चॉइस है, उसे इसी से खुशी मिलेगी। योटा कहता है चलो घर चलते हैं, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन में योटा हीना को घर लाता है और सभी हीना को देख के काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद ये बाकी दोस्तों के पास लेके जाता है इसे। आशुरा कहता है तुम्हारा न्यू हेयर कट तो कमाल का लग रहा है। इतना में कहती है क्या तुम्हारे पास इसके कपड़े अभी भी हैं। सोरा कहती है उन कपड़ों के बिना हम मूवी शूट नहीं कर सकते। टेंगन बोलती है मैं हीना की ड्रेस बनवा दूंगी दोबारा। तभी हीना आशुरा के हाथ में बास्केटबॉल देख के इसकी तरफ हाथ करने लगती है। आशुरा कहता है क्या तुम ये खेलना चाहती हो। इसके बाद योटा इसे बॉल को हुप में फेंकने को कह रहा होता है। तभी योटा मन में कहता है जब मैं पहली बार हीना को मिला था ये पहली चीज़ थी जो हमने करी थी, क्या इसका मतलब जो भी हमने पिछले समर करा वो सब था जो हीना एक नॉर्मल लाइफ जी के करना चाहती थी। बास्केटबॉल खेलना, रामेन खाना, एक परिवार का हिस्सा बन के रहना, मूवी में काम करना, उसने वो सब करा जो वो चाहती थी। अब समझ आया हीना ने वो सब करा जो वो हमेशा से करना चाहती थी। मैं बेवकूफ़ था जो उस समर को भूलना चाहता था। अब हीना बॉल फेंकती है लेकिन ये ऊपर ज़्यादा नहीं जाती है। योटा कहता है तुम कर सकती हो। हीना बार बार फेंकने लगती है और फाइनली ये हूप में चले जाती है। योटा कहता है तुमने कर दिखाया हीना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिन में ये हीना को उसके वही पुराने कपड़े पहनाते हैं और सोरा कहती है अब हम फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन में ये सब अब लोकेशन पे होते हैं और हीना को भागते हुए बस आगे जाना होता है जो कि मूवी का आखिरी सीन था। योटा कहता है मेरी तरफ आओ हीना। बाकी सभी इसे मोटिवेट करते हैं और जितना धीरे हो सके उतना चलने को कहते हैं।
हिना धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ती है और योटा के पास पहुंच जाती है। सोरा कहती है कट। योटा कहता है बढ़िया हिना, ये परफेक्ट था। नेक्स्ट सीन में योटा हिना के साथ होता है और कहता है ये सब एक मूवी जैसा था। एक रैंडम पर्सन एक लड़की से मिलता है जो कि खुद को गॉड कहती है और दोनों एक साथ समर बिताते हैं और वो उस लड़की के फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती है और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं वो। फिर उन पर परेशानी आती है लेकिन एंड में वो जीत जाते हैं और फिर से साथ आ जाते हैं। मैंने ये सब इमेजिन ही नहीं करा था। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मैं कॉलेज के लिए फिर से अप्लाई करूँगा। मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसे एक महान रिसर्चर बनूंगा। मैं तुम्हारे डिजीज़ के बारे में सब कुछ लर्न करूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें ठीक करूँगा। जो कोई नहीं कर पाया मैं वो करूँगा और फिर हम एक साथ रह पाएंगे। हिना कहती है हिना योहा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। योटा कहता है जब तुम ये कहती हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब योटा मन में कह रहा होता है जब से हम मिले हैं मेरा कोई गोल नहीं था पहले, लेकिन अब मेरे पास एक ड्रीम है और मैं उसे हासिल करके रहूँगा। तुमने मुझे उसे ढूंढने में मदद करी। तुमने मुझे सिखाया कि मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तुमने मुझे ब्लेस करा जब से हम मिले हैं। शायद तुम सच में एक गॉड हो। नेक्स्ट सीन में अब सोरा कहती है इसी के साथ शूटिंग ख़त्म होती है, तुम सभी का शुक्रिया। इसके बाद विंटर्स ख़त्म हो जाता है और मार्च का महीना आ चुका होता है। अब आशुरा बोल रहा होता है तुम एक साल छोड़ रहे हो, तुम्हें हाची मान में एडमिशन मिला है, तुम छोड़ रहे हो उसे। योटा कहता है वेल, मैं वहाँ गलत रीजंस की वजह से जाना चाहता था लेकिन मेरे पे अब एक प्लान है। आशुरा कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे वहाँ अपने बदले भेज दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लूँगा मैं। नेक्स्ट सीन में अब ये सभी सोरा की मूवी देखने आए होते हैं। योटा कहता है फाइनली हम मूवी देख रहे हैं ना, तुम काफ़ी एक्साइटेड थी जब तुम्हें लीड कैरेक्टर का रोल मिला था, अब हम एक साथ इसे देख सकते हैं। अब सोरा पर्दे लगाती है और मूवी स्टार्ट होती है और बताया जाता है कि दुनिया तबाह हो चुकी थी। इसके बाद योटा के डैड बोल रहे होते हैं कि अभी तक दुनिया की इस तबाही का कारण नहीं पता चला। इजना में कहती है सभी मेजेस लोगों की जान बचाने में लगे हैं, हमें और वक्त चाहिए। अब टेंगन कहती है योर मेजेस्टी ये वर्ल्ड का ब्रेन है, इसे सिस्टम कहते हैं, इसकी एनर्जी खत्म होते जा रही है और इसके सर्किट एक एक करके बंद हो रहे हैं और ऐसे ही हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और यह देख के आशुरा हंस रहा होता है, तभी टेंगन इसे मारती है। नेक्स्ट सीन में योटा कहता है एन क्या हुआ, तुम नंगे पाँव क्यों हो। ये कहती है रोमी मुझे रॉयल कैपिटल बुलाया गया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही इस दुनिया को बचा सकती हूँ। टेंगन तभी आके कहती है ये अब कभी वापस नहीं आएगी। योटा कहता है लेकिन यही क्यों। टेंगन कहती है इसकी पावर्स की वजह से यह दुनिया बच सकती है, हमें कल जाना होगा। नेक्स्ट दिन में ही ना जा रही होती है। योटा कहता है मौका मिलते ही मैं इसे भगा ले जाऊँगा, अगर दुनिया खत्म होती है तो ये हमारा काम नहीं इसे बचाना। इसके बाद योटा कह रहा होता है ये रिचुअल स्टार्ट कर रहे हैं जिससे दुनिया बचेगी, ये दुनिया इसकी जान लेके बचेगी। और तभी योटा भागते हुए जाता है और सभी से बच के हिना को रोक देता है और दुनिया तबाह होने लगती है और योटा हिना को लेके यहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सोरा अब कहती है क्या ये अच्छी थी। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और सभी तारीफ करते हैं इस मूवी की और हिना और सोरा की भी तारीफ करते हैं। तभी आशुरा कहता है ये हम सभी के लिए एक यादगार पल रहेगा। योटा को इससे याद आता है कि जब हिना ने कहा था कि मेरे पे कोई भी मेमोरीज नहीं है और शायद लोगों को हैप्पी लाइफ जीने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और योटा प्रेजेंट में कहता है हाँ ये मेमोरीज हमेशा याद रहेंगी। सही कहा ना हिना। तभी एक आवाज़ आती है पीछे से। योटा कहता है ये क्या है। सोरा बोलती है बिहाइंड द सीन्स हिना ने मुझे ये रिकॉर्ड करने को कहा था। इस वीडियो में सोरा हिना से पूछती है तो एक गॉड बन के कैसा लगता है। हिना कहती है हर चीज़ एकदम फ्रेश और न्यू थी, हर दिन चमकदार था, ये यादें एक कीमती खजाने जैसी थी, चाहे ये दुनिया ख़त्म ही क्यों ना हो जाए ये यादें कभी नहीं मिटेंगी, ये मेरा खजाना रहेगा हमेशा। ये सब सुन के योटा रोने लगता है और कहता है तो हिना को ऐसा फील हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। अब योटा मन में कहता है मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, शायद ये कठोर दुनिया होगी और जहाँ पर कोई भी चमत्कार ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ और मैं हमेशा हिना के साथ रहूँगा, पूरे दिल के साथ। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे ख़त्म होता है। सो गाइस था ना ये एनीमे कमाल का।
स्टार्टिंग में इस एनीमे ने काफ़ी हंसाया और एंड में काफ़ी रुलाया, लेकिन एक हैप्पी एंडिंग के साथ इसी का यहीं पे एंड होता है। और जो स्टार्टिंग में हमें इस एनीमे के एक सीन दिखाया गया था चेयर में बैठ के, जिस पे हिना कुछ बोल रही थी, वो इस एनीमे के एंड का सीन था, जो कि आप लोगों का पता चल ही गया होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल एनीमे था ये, और आई होप कि आप लोगों को भी ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई एक लाइक ज़रूर करके जाना इस वीडियो पे, नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार टप किए और मेरे को पहली बार सुन रहे हो, देन चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ऐसा ही औसम कंटेंट देखने के लिए आगे भी। तो मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।